नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन चैनल पे। हम लोग कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री देख रहे हैं, तो उसका एक क्लास नंबर 2 है। क्लास 1 भी देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। कंप्लीट हिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया में जो भी एग्जाम में हिस्ट्री आता है, वो सभी एग्जाम में आपको ये वीडियो देखने के बाद मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्री हिस्ट्री से। इस वीडियो का PDF के लिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हिस्ट्री में 3 भाग होता है, आपको पता होगा, बचपन से देखते आ रहे होंगे, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। और एविडेंस के हिसाब से प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल ईरा। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री में स्टोन आ जाता है, मेटल आ जाता है, सबको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो शुरू करते हैं प्री हिस्ट्री से। तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और हिस्टोरिकल ईरा यानी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, वो हो जाएगा तो AD और BC। ये बहुत आदमी को कन्फ्यूज होता है कि AD पहले आता है या BC पहले आता है, हर बार कन्फ्यूज होता है। इसके बारे में आज एकदम क्लियर ही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज स्टोन एज। स्टोन एज में क्या क्या आता है, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और न्योलिथिक आता है, उसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेटल एज आता है, उसमें चेल्कोलिथिक और मेगालिथिक आता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। एक मैं फ्लो चार्ट आपको, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा आपको सोचूंगा कि फ्लो चार्ट से मैं समझाने के लिए कोशिश करूँ, और एकदम ईजी लैंग्वेज में, जिससे आपको कभी भूल ना सके इसको। तो देखिए, हिस्ट्री का 3 भाग तो होगा ही एविडेंस के हिसाब से, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्रिकल ईरा। तो प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं, सबसे पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, प्री हिस्ट्री का मतलब नो रिटेन प्रूफ, जहाँ पे कोई रिटेन प्रूफ नहीं होगा, ओनली फिजिकल एविडेंस, जहाँ पे सिर्फ फिजिकल चीज़ प्रेजेंट होगा, फिजिकली प्रेजेंट होगा, उसका कोई लिखित प्रूफ नहीं होगा, उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। एग्जाम्पल क्या है उसका, स्टोन एज में जितना ही है सब लिखित है, सब फिजिकल एविडेंस उसका है, उसका कोई रिटेन प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। समझ में आ गया होगा प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटो। प्रोटो में मतलब होता है कि जहाँ पे रिटेन एविडेंस है लेकिन उसको हम लोग डेसीफाई नहीं कर पाए, यानी उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, डेसीफर मतलब रीड नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे कि IVC यानी इंदस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी का सभ्यता जो है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग, तो वो वाला जो है उसमें हम लोग डेसीफर नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और नेक्स्ट आता है हिस्ट्रिकल ईरा, जिसको हम लोग हिस्ट्री भी बोलते हैं, जहाँ पे सब कुछ होता है, रिटर्न एविडेंस भी होता है और उसको हम लोग पढ़ भी पाते हैं। जैसे कि वैदिक एज से लेकर अब तक जितना भी बन चुका है हिस्ट्री, वो सब हम लोग को हिस्ट्रिकल ईरा यानी हिस्ट्री में हिस्ट्री कहलाता है, यानी जिसको हम लोग पढ़ भी पाएँ और जिसका रिटर्न एविडेंस है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया तीनों टर्म में क्या अंतर है। आगे हम लोग चलेंगे, तो अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं AD और BC का मतलब क्या है, AD आता है या BC पहले आता है। देखिए, एक मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ, ये लाइन कुछ नहीं है, बस समझने के लिए है। A 0 यहाँ पे है, 0 मतलब कुछ नहीं, यहाँ मान लीजिए कि जीसस क्राइस्ट एंड ईसा मसीह का जन्म हुआ था यहाँ पे। ठीक है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका लेफ्ट साइड का जो है उसको हम लोग BC बोलते हैं डिनोट करने के लिए टाइम को, और राइट साइड को क्या बोलते हैं, AD बोलते हैं। ठीक है, यानी ये कुछ नहीं है, एक क्रिश्चियन ईरा है। ठीक है, कुछ नहीं है, क्रिश्चियन ईरा है। क्रिश्चियन ईरा मतलब BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह का जन्म का साल को पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, BC। ठीक है, और जन्म का बाद को हम लोग बोलते हैं AD। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो वही यहाँ पे है, यानी BC में क्या होता है साल, देखिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ से साल सबसे बड़ा आया, 1500 आया, 1000 आया, उसके बाद 500 आया। लेकिन AD का जो टाइम होता है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले 500 आएगा, 1000 आएगा, उसके बाद 1500। इसीलिए हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले 1500 BC पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 1000 BC पढ़ेंगे। तो कन्फ्यूज नहीं होने आपको, BC पहले डिक्रीजिंग होता है, माने बड़ा से छोटा जाता है, और AD में क्या होता है, छोटा से बड़ा जाता है, जो कि अभी चलता है। जैसे कि हम लोग का एट प्रेजेंट 2020 चल रहा है, तो 2020 क्या है, 2020 क्या है, 2020 AD है, यहाँ पर नंबर 2019 के बाद 20 आए, यानी एक क्रिश्चियन ईरा का एनो डोमिनी चल रहा है। समझ में आया आपको। और एक और टर्म होता है BCE और CE। BCE का मतलब होता है कुछ नहीं, ये सेकुलर टर्म है, क्रिश्चियन ईरा नहीं है, ये सेकुलर टर्म आदमी लोग यूज़ किए इसको। BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा, और CE का मतलब ये भी सेकुलर टर्म है, इसका मतलब कॉमन ईरा। ठीक है, समझ में आ गया होगा BC और AD में। एक मैं क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको है 1900 और 1800, दो यहाँ पे दिया है, दोनों BC है। ठीक है, दोनों BC है। सबसे पहले कौन सा आएगा BC में, BC में सबसे बड़ा आएगा, यानी सबसे पहले 1900 आएगा, उसके बाद 1800 आएगा। लेकिन AD में होता तो सबसे पहले 1800 आता, उसके बाद 1900 आता। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा इस समझने के बाद। यहाँ पर लिखा हूँ मैं, देखिए, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, डेट बिफोर द बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म का पहले वाला डेट को हम लोग BC बोलते हैं। एनो डोमिनी द डेट आफ्टर द डेट ऑफ विच जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, यानी जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह का जन्म का बाद को हम लोग AD डिनोट करते हैं।
और बीसी और सी सर्कुलर टर्म है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कोई कोई एग्जाम में, कोई कोई एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको बीसी पहले आया या एडी पहले आया। एक चीज़ आपको हिस्ट्री पढ़ने में समझने में भी बहुत ज़रूरी है, एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट, एडी बीसी बीसी सी जो भी है ये समझने में आपको बहुत काम करेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, तो शुरू करते हैं हम लोग स्टोन एज से, कि सबसे पहले मैं देखे थे प्री हिस्ट्री में क्या आता है स्टोन एज, तो स्टोन एज से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टोन एज है, स्टोन एज इज अ प्री हिस्ट्री पीरियड वेयर वेपन्स एंड टूल्स वेयर मेड ऑफ स्टोन। यहाँ पे वेपन्स औजार जो किससे बनाया जाता है, स्टोन से बनता था। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज बोन से, वुड से और हॉर्न से बनता था। जितना भी वेपन है यानी लड़ाई करने का औजार है वो किससे बनता था, हड्डी से, वुड से या हॉर्न से। देखिए यहाँ पे फोटो भी है उस समय का, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टोन एज बोलते हैं। स्टोन एज का जो भी डिवीजन है तीन है, पैलियोलिथिक, यहाँ पे देखे थे हम लोग क्या है इसका, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पैलियोलिथिक से। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण युग, ठीक है, पुराना वाला पाषाण युग इसका मतलब होता है। इसका टाइम पीरियड 5 लाख BC से 10,000 BC। अभी देखिए 5 लाख BC यहाँ पे सबसे पहले 5 लाख आया, उसके बाद 10,000 आया, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे बीसी में क्या हुआ, नंबर बड़ा से छोटा जाता है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले 5 लाख आया, उसके बाद 10,000 आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम लिमिट दिया है इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, क्योंकि ये समय समय पे वेरी भी होते रहता है। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 2 मिलियन से लेकर 1200 साल को पैलियोलिथिक एज हम लोग बोलते हैं। पैलियो का मतलब होता है पुरना, ओल्ड, और लिथिक मतलब होता है पत्थर यानी पुरना पाषाण, इसलिए यहाँ पे लिखा है ओल्ड स्टोन एज इसको बोलते हैं, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। पैलियो मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन। ये जो टाइम पीरियड है सबसे लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट पीरियड है। क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है कि सबसे लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट पीरियड कौन सा है, तो आंसर है पैलियोलिथिक है। तीन दिया होगा तो आपको लगाना होगा पैलियोलिथिक सबसे पुरना है, ठीक है। यहाँ पे होमोसेपियन यानी आदमी का जो रूप है पहली बार अपीयर होता है लास्ट फेज में इसका। पैलियोलिथिक का 3 डिवीजन है इसलिए सबसे बड़ा हो गया। 3 डिवीजन क्या क्या है, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पैलियोलिथिक का 3 भाग है, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, देखिए यहाँ पे द डिवीजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन टूल डिस्कवर इन 3 पीरियड। ये डिवीजन जो है अलग अलग औजार जो मिलता है स्टोन टूल मिला है उसके हिसाब से 3 पीरियड का डिवीजन किया गया है। मैन हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ का आदमी लोग था उसके पास एग्रीकल्चर का खेती करने का कोई नॉलेज था। आदमी लोग यहाँ का क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग, शिकार करते थे खाते थे, शिकार करते थे खाते थे, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है किसका, पैलियोलिथिक है इसका। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइट भी डिस्कवर हुआ था, साइट्स जो है सबसे पहले पलावरम जो कि मद्रास में है, यहाँ पे क्या हुआ था, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ स्टोन एज, यहाँ पे स्टोन एज का सबसे पहला एविडेंस मिलता है। कल्चर इन इंडिया हैव बीन फाउंड फ्रॉम हेयर, तो सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिलता है आपको बताना होगा, मद्रास में। नेक्स्ट है रॉक शेल्टर जो कि भीमबेटका में है मध्य प्रदेश में, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं फोटोज़ में है भीमबेटका जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि भीमबेटका कहाँ पे, आपको लगाना होगा मध्य प्रदेश में, क्या है रॉक शेल्टर है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच, नाम सुने होंगे, शत्रुमुख बोलते हैं शायद हिंदी में, ये वाला फोटो है ऑस्ट्रिच इन इंडिया, ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक। ऑस्ट्रिच जो इंडिया में सबसे पहले मिला कहाँ पे, ये पैलियोलिथिक में ही मिला था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिच भारत में कब मिला था, तो पैलियोलिथिक टाइम से मिलते आ रहे हैं, ठीक है। लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिला, पटने जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ पे शत्रुमुख यानी ऑस्ट्रिच का अंडा यहाँ मिला था, ठीक है, जो कि पैलियोलिथिक का भी एक एग्जाम्पल दर्शाता है। आगे हम लोग चलेंगे तो बागोर है, ये भी एक पैलियोलिथिक साइट था जो कि राजस्थान में है। कर्नूल केव, ये भी आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ एस यानी राखी का जो है होता है ट्रेसेस यहाँ पे मिला था, राख का ट्रेस मिला था। और बेलन वैली जो कि यूपी में है, ठीक है। ये सब क्या है, साइट्स है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा साइट्स पैलियोलिथिक का है, मेजोलिथिक का है, तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट साइट का नाम, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, एक क्वेश्चन टेस्ट कर लेते हैं, इन विच स्टेट ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑस्ट्रिच भारत में सबसे पहले कब मिला था पैलियोलिथिक साइड में, कौन सा जगह पे मिला था, ऐसा पूछ दिया तो आपको अभी तक आंसर पता ही होगा कि हम लोग पढ़े थे कहाँ पे मिला था, बिहार तो नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, कहाँ होगा, महाराष्ट्र के पटने में मिला था ऑस्ट्रिच का अंडा यानी ऑस्ट्रिच मिला था, ठीक है, पैलियोलिथिक साइड में। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इस तरह आपको ट्राई करते रहना है। हम लोग साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है मेजोलिथिक एज यानी मध्यकाल जो होता है, इसमें क्या होता है, मेजो मतलब होता है मिडिल और लिथो मतलब होता है स्टोन। ए क्या है, ट्रांजिशनल पीरियड है किसका, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, यानी नियोलिथिक से पहले और पैलियोलिथिक के बाद जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या,
मेजोलिथिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, क्लाइमेट चेंज मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग टू इन मूव टू न्यू एरिया। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा था इसलिए आदमी लोग समय समय पर जगह छोड़ के जहाँ तहाँ मूव करते थे। पीपल लिव ऑन हंटिंग फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। यहाँ पे आदमी लोग किस पर डिपेंड करते थे, हंटिंग पे, फिशिंग पे और फूड गैदरिंग। यहाँ फूड गैदर भी हो गए वो लोग, ठीक है, उसमें नहीं थे, उसमें हंटिंग करते थे, खाते थे। इंपोर्टेंट साइट आर डिस्कवर इन छोटा नागपुर। यहाँ पे एक साइट है छोटा नागपुर पे, ठीक है, यह डिस्कवर हुआ था। स्टोन टूल्स इन दिस पीरियड वाज मेजोलिथिक, सॉरी माइक्रोलिथ। यहाँ पे जो स्टोन टूल डिस्कवर हुआ वो क्या था, माइक्रोलिथ। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ का स्टोन टूल कैसा था, माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल टूल, वेरी स्मॉल स्टोन टूल, माइक्रोलिथिक मतलब होता है, ठीक है। तो मेजोलिथिक में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। क्वेश्चन एक टेस्ट कर लेते हैं, ड्यूरिंग व्हिच फेज ह्यूमन हिस्ट्री हिस्ट्री माइक्रोलिथ स्टोन टूल्स केम टू यूज। तो यहाँ पूछ दिया कि माइक्रोलिथ किस में मिला है आपको, तो आपको लगा देंगे पैलियोलिथिक नहीं, नियोलिथिक नहीं, चेल्कोलिथिक पढ़ाई नहीं है, तो क्या होगा, मेजोलिथिक, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट है नियोलिथिक। यहाँ पे एग्रीकल्चर खेती करना स्टार्ट हो गया, आदमी लोग खेती करने लगे। सबसे पहले क्या करते थे, आदमी लोग शिकार करते थे, खाते थे, बाद में फूड गैदर भी बने, अभी क्या हो गए, खेती भी करने लगे। द मैन ऑफ दिस एज न्यू अबाउट फायर एंड पोल्ट्री। फायर लगाने, आग लगाना और पोल्ट्री बनाना आदमी लोग यहाँ पे सीख गए। द विलेज कम्युनिटी स्टार्टेड टू इमर्ज इन लेटर स्टेज ऑफ दिस फेज। यहाँ पे विलेज कम्युनिटी बढ़ने स्टार्ट हो गया, ठीक है। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट साइट भी है नियोलिथिक का देख लेते हैं। सबसे पहले कोर्नोल केव, ये भी यहाँ पे भी मिलता है नियोलिथिक साइट का, जो कि कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे भी मिला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी आपको नियोलिथिक का साइट मिला है, ठीक है। एक जगह दो चीज़ नहीं मिल सकता, वैसा ही। ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हेयर, दिस साइज डेट पीपल वर फेमिलियर टू यूज फायर। यानी एस इन राख, यहाँ पे भी मिला है, राख मिला है, यानी यहाँ से समझ में आता है कि यहाँ पे आदमी लोग क्या फायर का यूज़ जानते थे, यानी फायर डिस्कवर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, आदमी लोग आग लगाने जान चुके हैं। नेक्स्ट है बुर्जा होम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पीपुल बिल्ड पिट हाउस, पिट हाउस यहाँ पे आदमी बनाना शुरू कर दिया। विच वेयर डग इन द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इन टू देम। तो एक आपको याद रखना है पिट हाउस कहाँ मिला है, तो बुर्जा होम जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इतना याद रखना है यहाँ से। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मेहरगढ़ कहाँ पे, ये पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। नियर बुलंद पास, वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज यहाँ पे मिला था। मैनी काइंड ऑफ एनिमल बोन्स फाउंड हेयर विद द केटल बोन्स बींग द मोस्ट। यहाँ पे एनिमल का हड्डी मिला था, स्पेशली केटल का। स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेज, ईच हाउसेज हैड फोर और मोर कंपार्टमेंट। स्क्वायर टाइप का हाउसेज मिलता, देखिए यहाँ पे चार यहाँ पे कंपार्टमेंट हुआ करता था। डेड पीपल वर बरीड विद गॉड्स, जो मरा हुआ आदमी था वो गॉड्स के साथ दफना दिया जाता था। विच वेयर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो आज भी ऐसा कुछ चलता पड़ा था, तो आदमी लोग सोचते थे बकरी के साथ आदमी को दफनाते थे, यानी उसको खाद्य के लिए दिया जाता था, एक प्रथा होता था जो कि उस टाइम में चलता था मेहरगढ़ पाकिस्तान में। एक और इंपॉर्टेंट है डाउजली हार्डिंग, जो कि असम में है। ये यहाँ पूछ सकता है असम का एग्जाम के लिए, डाउजली हार्डिंग कहाँ पे है, तो असम में। यहाँ पे क्या मिला था देखते हैं, दिस इज अ साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली यानी हिल एरिया में है। हेयर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटेल्स एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड। मोटेल्स एंड पेस्टल्स का यहाँ पे मिला था, ठीक है, देख सकते हैं मोटेल्स एंड पेस्टल्स, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल्सो कॉमन आर फाइंड्स टूल मेड ऑफ फॉसिल वुड का यहाँ पे टूल भी, औजार भी मिलता था, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक ही है कि यहाँ पे पेस्टल्स और मोटेल्स कहाँ मिला था, तो दार्जिलिंग हार्डिंग असम में। दार्जिलिंग हार्डिंग कहाँ पे, तो ये भी एक असम में है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोनों तरह से आपको रेडी होकर रहना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है, देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मेहरगढ़ कहाँ पे, पाकिस्तान में। कोलदीवा कहाँ पे, यूपी में। मेहरगढ़ा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। गुफरकल कश्मीर, बुर्जा होम कश्मीर। चिरांद कहाँ पे, बिहार में। हालूर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। और पाइयामाल्लीपल्ली जो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट साइट का भी आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है ये साइट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही रहने देंगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले व्हिच पीरियड इन द प्रीहिस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री मार्क बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। खेती करना कब शुरू हुआ, तो कहाँ पे होगा आपको, नियोलिथिक में साइड में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो आगे मैं स्लाइड बनाया हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से आपको देखने में प्रॉब्लम होता है। तो बाकी जो है नेक्स्ट हम लोग बच जाएगा क्या देखने के लिए, चेल्कोलिथिक साइट एंड मेटल एज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और क्वेश्चन भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वीडियो इतना ही रहेगा, क्वेश्चन आपको मैं एक एक करा के दिखाया कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको हिस्ट्री पढ़ के मज़ा आया ना, कैसा लगा, मैं इससे भी बेस्ट ट्राई करूँगा। आपको रिकमेंडेशन कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।